Dear Wasim Akram, only in one sentence, tell us the true reason for not playing the quarterfinal in 1996 against England. मैं तुम लोगों को ठंडा कर ही दूँ. I had so many words for this young generation. Never, ever listen to rumors. Okay? You guys weren't even born then. Okay, what happened? That's embarrassing. When Pakistani have a go at me, I got injured 3 days ago against New Zealand. I got 34 runs. Dion Nash को मैं sweep करने गया था. Final leg ऊपर था. ये intercostal muscle pull हुआ था. And that takes 6 weeks. And the reason Vakar बैठा हुआ है, हमने press को नहीं बताया कि इंडिया को कॉन्फिडेंस ना मिले कि उनका मेन प्लेयर कैप्टन नहीं खेल रहा. मॉर्निंग में वकार ने भी देखा, सब ने देखा कि डैन कीजल ने मुझे दो इंजेक्शन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ पेन किलर लगाए, बट दे डिडंट वर्क. अगर वही मैं इंजर खेल जाता, पूरे 10 ओवर ना करता, तो उन्होंने मेरी मिट्टी और पलीत करनी थी. कहना था पूरे ओवर क्यों नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. सो क्या बाकी यारा वहाँ क्या छोले बेचने गए हुए थे कि अगर वसीम अकरम नहीं खेला तो पाकिस्तान मैच हार गया. आपकी जगह जो खेला भी था ना, ताहिर रहमान खेला था वो मैच, एंड ही बोल्ड रियली वेल. अगर उसका आप स्टैट्स, अगर जो जिन्होंने भी ये टेक्स्ट मैसेज भेजा, अगर वो उनके अगर आप देखेंगे ना, तो ही वाज प्रोबब्ली वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर दैट डे. एंड यू हैड अ बैड डे इन द लास्ट ओवर, रिमेंबर? जी 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 गेम बिल्कुल ऐसे ऑन ऐसे. और ये ऐसी इंजरी है वसीम भाई, इंसिडेंट्स होंगे जहां पे आप टीम के लिए आपके बहुत सारे ऐसे निगल सब होते हैं. वो बात नहीं करेगी हमारी जनरेशन. अब 1990 में वकार भी था, बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं. बिफोर एवरी गेम इनके सामने इतनी बड़ी सुइयां इन टू माई ग्रोइन बिफोर एवरी गेम टू, बिकॉज आई हैड अ ग्रोइन प्रॉब्लम, बट आई हैड टू प्ले द टेस्ट मैचेस एंड द वन डेज. उसके बाद मैं ऑपरेशन कराने गया हूँ. मेरा एक मसल ही उन्होंने काट दिया, चार मसल होते हैं आपके पेल्विक के साथ, वो एक काट ही दिया था. बट आई प्लेड द होल सीजन, दो दो तीन तीन इंजेक्शन लगा के इन माई ग्रोइन पेन किलर्स.